तो हेलो रियन, आज की वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं यार महाराष्ट्र काउंसलिंग और बाकी सारे स्टेट काउंसलिंग के अपडेट्स के बारे में। आपके काफी ज्यादा कंफ्यूजन और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है और बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस हमारे टीम के पास रिसीव हो रहे हैं आपकी तरफ से कि भैया काउंसलिंग के अंदर एक दिक्कत आ रही है कि महाराष्ट्र काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जिसको नहीं पता हो बताता हूँ, स्टार्ट हो चुकी 25 से स्टार्ट हो चुकी थी, राइट। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की देर की 31 जुलाई। इसका पूरा पूरा शेड्यूल आ चुका है, अपन देखते हैं हर एक स्टेट काउंसलिंग के बारे में अपडेट के बारे में बात करेंगे, क्या स्थिति चल रही है, क्या सिचुएशन चल रही है। और जहां तक बात है इस महाराष्ट्र काउंसलिंग के अंदर, तो फिर साथ साथ में अप्लाई करके भी देखते हैं आज, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत भी आ रही थी कि कुछ कुछ फॉर्म फिलअप आधा हो रहा है, वह आगे नहीं बढ़ रहा है, सेव एंड प्रोसीड कर रहे हैं पर लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। देखते हैं, बस चेक कर लेते हैं कैसे क्या है। वैसे अब जो क्वारी सॉल्व हो गई है उनकी तरफ से, ये प्रॉब्लम आगे वालों की तरफ से हो रही थी, मतलब महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से प्रॉब्लम हो रही थी। इनकी वेबसाइट पर कुछ टेक्निकल इश्यू, टेक्निकल फॉल्ट आ रहा था, तो उन्होंने सही कर दिया था कल, मतलब 27 को ही सही कर दिया था। तो अपन देख रहे हैं अब आगे कि सही हुआ है तो क्या सही हुआ है, क्या दिक्कत आ रही थी बच्चों, राइट। जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया था, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अभी ओनली आपको अप्लाई करना है और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, राइट। तो ई स्क्रूटनी सेंटर क्या होता है, बहुत सारे बोल रहे थे भाई फैसिलिटेशन सेंटर क्या होता है, ई स्क्रूटनी सेंटर वगैरह वो सब, तो थोड़ा बताया तो आपको कैसे क्या सिस्टम है, इसको नहीं पता चल रहा हो। अभी ओनली आपको अप्लाई करना है, जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो आपको लगाने हैं। आपका एक बार जब डॉक्यूमेंट पूरा पूरा जो पूरा वेरिफिकेशन हो जाएगा, पूरा ऑनलाइन मोड में ही पूरा प्रोसेस होना है, आपको कहीं जाना नहीं है। तो पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद आपसे चॉइस फिलिंग, आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। एक पहले तो एक जो हमारे पास मेरिट लिस्ट आएगी टेम्परेरी होगी, उसके अंदर अगर किसी आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप उसमें जो क्वेरीज अपने रेस कर सकते हो। उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, मतलब कॉलेजेस आप बाद में फिल करोगे, ठीक है। अभी आपको ओनली एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके रखना है, ठीक है ना। अब एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस, देखो आप पहले आओगे प्रोसेस के ऊपर। हमारे पास जो वेबसाइट है वो हमारे पास कौन सी, MSTCET महाराष्ट्र वेबसाइट है, MSTCET, राइट। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं लिंक आपको नीचे डाल दूंगा। सिंपल यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आना, सिंपल बी आके टीचर के आगे सामने न्यू कलर के यहाँ पर लिंक आ गया, जो कि ब्लिंक हो रहा है, मतलब यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी काउंसलिंग। आगे आते हैं, यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है, देखो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर कैंडिडेट्स और फैसिलिटेशन सेंटर वगैरह यहाँ पर लिखे हुए, कौन कौन सेंटर्स वगैरह है, इंस्टीट्यूशन लॉग इन, इन सब को ज्यादा कुछ काम नहीं। इंपॉर्टेंट डेट्स का हम लिखा है, इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ लेते हैं कि क्या प्रोसेस बता रखा है। बोला है कि इंपॉर्टेंट डेट बोल रहा है, स्टार्ट डेट 25 जुलाई, लास्ट 31 जुलाई। 31 जुलाई के ऊपर लगा रखा है स्टार मार्क, 99% चांसेस है ये डेट एक्सटेंड होगी। हर साल ऐसा होता है क्योंकि 5 दिन के अंदर काफी स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पाते, बहुत सारे इन लोगों के 3 दिन तो ऑलरेडी टेक्निकल फॉल्ट को सही करने में लग गए, तो 3 दिन तो वैसे खराब हो गए बच्चे। 6 दिन के अंदर से 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन सबके सब बच्चे करना पॉसिबल नहीं है, तो ये डेट्स आगे होगी। पर लेकिन ऐसा नहीं कि भाई आपने बोल दिया तो हम अप्लाई नहीं करें, अप्लाई हमको करके रखना होगा पहले, बिकॉज यहाँ पर ओनली अप्लाई करना, आपको अभी चॉइस फिलिंग नहीं करनी है, बिकॉज जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, ओनली जो है हमको ये डेट से पहले पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना, बिकॉज अब कोई दिक्कत नहीं है, अब प्रॉपर तरीके से साइट चल रही है। अभी मैं आपको डेमो करके बता रहा हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 31 से पहले हमको अप्लाई करना है, आप 28, 29, 30, 31 उनको देख रहे हो, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए, राइट। उसके बाद क्या बोला है कि आपको ये वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आपको 1 अगस्त तक चलेगा, 1 अगस्त से पहले पहले वेरिफिकेशन हो जाएगा। जब आप एप्लीकेशन जल्दी जल्दी अप्लाई कर दीजिए, मतलब अगर आप अब तक 28, 29, 30 होगी तो आप अप्लाई कर दीजिए, बिकॉज 1 से 2 दिन 1 अगस्त से पहले पहले आपके वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा। तो अभी बताऊंगा आपको वेरिफिकेशन का कहाँ क्या दिखाएगा, क्या शो होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या देखो, दो सीट्स भी दो तरीके होती है, एक तो होती है कैप सीट्स, ठीक है ना, कॉमन एडमिशन प्रोसेस कैप सीट्स, और एक होती है नॉन कैप सीट्स, मतलब एक होती है जो डायरेक्ट एडमिशन, एक होती है मतलब गवर्नमेंट की जो सीट्स होती है हर कॉलेजेस के अंदर, जो हमारे पास सीट फिक्स्ड है, कैप सीट्स, कैप राउंड जो ये चल रहे हैं इनके थ्रू होती है। एक होती है नॉन कैप सीट, राइट, एक मैनेजमेंट कोटा टाइप मान लो, मतलब पूरा मैनेजमेंट तो नहीं है, तो नॉन कैप सीट्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो वो 31 के बाद भी कंटिन्यू चलते रहेंगे। हमको 31 से पहले पहले अप्लाई कर देना है, राइट, ध्यान रखना। उसके बाद ये देखो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, जो कि आएगी 3 अगस्त को। उसके बाद 3 अगस्त के अंदर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद आप जब देखोगे मेरिट लिस्ट को, उसके बाद आपको लगता है कि भाई मुझे जो डाउट है या मुझे अच्छा नहीं लग रही, मतलब मेरा जो रैंक है या मेरे मार्क्स उसमें कोई दिक्कत है या वो गलत बता रहा है, गलत शो कर रहा है, तो अपनी क्वेरी जो है रेस कर सकते हो 4 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच में, राइट। उसके बाद ये सब पूरा डाटा जो है रिकाउंसिलेशन होने के बाद, पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद 5-7 अगस्त को फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। इसके 7 के बाद आपकी जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप कॉलेजेस को चॉइसेस फिल कर पाओगे। उसके ऊपर अपन डिटेल में वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। बाकी और जितने भी अदर स्टेट्स हैं जिनकी काउंसलिंग चल रही है, जिनकी चॉइस फिलिंग बाकी है, उन सभी के लिए जो आपकी चॉइस फिलिंग ऑर्डर में लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना, उसके लिए अलग से वीडियो आएगी, वो थोड़ी बड़ी वीडियो होगी, इसलिए इसके साथ कर दे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। अभी ओनली आपको एप्लीकेशन प्रोसेस फिल करना है, बस इतना काम दिया गया। बाकी आपको ये जो है आपकी कुछ कैटेगरी के बारे में बता रखा है, अभी मैं आगे बात करूंगा कि आपको कौन कौन सी कैटेगरी से, अगर आपको रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना, देखो अभी अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। सिंपल अप्लाई करने के लिए सिंपल आप आएंगे यहाँ पर, एक बार थोड़ा सा बैग आ जाते हैं,
देखो ये कट ऑफ का कुछ दे रखा है, अब यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आई थिंक कट ऑफ की लिस्ट भी अभी तक इनकी वेबसाइट पे आई नहीं है। ये कट ऑफ यहाँ लिख रखा है तो यहाँ पर का वाला अभी तक इश्यू सॉल्व नहीं हुआ है, मतलब खैर अभी हमको इसके ऊपर काम भी नहीं है, जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद हम कट ऑफ देखेंगे। तो ये कट ऑफ की लिस्ट यहाँ पर क्लिक करोगे तो अभी तक कट ऑफ की लिस्ट रिलीज यहाँ पर शायद लगन लगाई नहीं है, मैंने क्लिक करके देखा था तो अभी तक ओपन नहीं हो रही थी। राइट, आप क्लिक करके देख लीजिएगा ओपन हो रही है नहीं हो रही है इसके अंदर। ठीक है ना, न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करते हैं, सिंपल सी बात है। ऐसा कुछ इंटरफेस आता है, जब आप नीचे आओगे सिंपल आपके पहले ही पूछेगा ये कुछ आपके पॉइंट्स देख के आप पढ़ सकते हो। अप्लाइज फॉरन नेशनल कैंडिडेट्स, फॉरन नेशनल हो या नहीं है, वो या नो हम नहीं है, उसके बाद फुल नेम फिल कर देना, उसके बाद इंडिया अदर कहाँ से हो, इंडिया से सेलेक्ट, स्टेट सेलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, व्हाट्सअप नंबर मोबाइल नंबर आपका दे दिया जिसके ऊपर ओटीपी आपकी ऐसे आएगी, मेल आईडी दे दी वेरिफिकेशन के लिए, पासवर्ड आपका कन्फर्म पासवर्ड सेट कर दिया और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर दिया। मैंने रजिस्टर कर दिया है तो एक बार आप रजिस्टर कर दीजिए उसके बाद आगे बढ़िए, अगर आप साथ साथ अप्लाई कर रहे हैं तो। मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, ऐसे मैंने डेमो पहले करके देखा था कि कैसे क्या फॉल्ट आ रहा था। राइट, तो वो सही हो गया, तो मैं एक बार क्या करता हूँ लॉगिन कर लेता हूँ। राइट, तो मैं कर लेता हूँ कैंडिडेट लॉगिन में चलता हूँ और हम सीधा क्या करते हैं यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। मैं सीधा ही मेरे एप्लीकेशन आईडी डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। राइट, तो ये लॉगिन करने के बाद का पेज है, लॉगिन करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद, उसके बाद आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद आप इस वाले इंटरफेस के ऊपर पहुंच जाओगे। अब ऐसा इंटरफेस आने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, देखो माई होम, ये आपको ये सब स्टेप वाइज पूरा करना होता है। जब आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो इस टाइप से कुछ आपको ऑप्शन यहाँ पर जो है दिए होंगे। राइट, ये मैंने कुछ रजिस्ट्रेशन कर रखा था जो कुछ रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी के साथ, यहाँ पर आपको कुछ ये सब स्टेप से सब आपको पूरी करनी होगी। ये पांच छह स्टेप मैंने कुछ पूरी करके देखी भी थी, जहाँ तक मुझे लगा कि फॉल्ट आ रहा नहीं आ रहा, कहाँ तक फॉल्ट आ रहा नहीं आ रहा, तो मैंने सब कुछ देखा तो लगभग लगभग सब स्टेप पूरी तरह से चल रही है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, आपको हर एक स्टेप जैसे फिल करनी होगी। आपको फिल करने के लिए क्या करना है, आना होगा सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करोगे माई होम, माई होम पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला इंटरफेस दिख जाएगा जहां पर आप लॉगिन करने के बाद आते हो। ठीक है ना, उसके बाद आपको अगली स्टेप पूरी करनी है। अगली स्टेप जो यहाँ पर वो है सेलेक्ट स्क्रूटनी मोड, आपको सेलेक्ट करें स्क्रूटनी मोड। अब स्क्रूटनी मोड मतलब क्या, सिंपल बोला क्या, आपको है ना ई वेरिफिकेशन, मतलब आपको वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या ये चेक करना है कि आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना चाहते हो या फिर फिजिकली वेरिफिकेशन कराना चाहते हो। अधिकतर होता क्या, महाराष्ट्र का काउंसलिंग के अंदर फिजिकली वेरिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स बनाए जाते हैं जहाँ पर आप जाकर फिजिकली जो है रिपोर्टिंग या फिर वेरिफिकेशन कर सकते हो डॉक्यूमेंट को, पर लेकिन उसकी कोई नीड नहीं है, हमको क्या करना है ऑनलाइन वाला ही फिल करना है। तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं, ई स्क्रूटनी मतलब, ई स्क्रूटनी मतलब होता है ऑनलाइन, और एक होता है फिजिकल स्क्रूटनी, मतलब क्या है फिजिकल जाकर आपको वेरिफिकेशन करना होगा, पर लेकिन हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है। राइट, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, ई स्क्रूटनी सेलेक्ट कर लेना है। ये लिखा भी देखो, नीड टू बुक द स्लॉट्स फॉर ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, स्कैन अपलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म, शैल बुक द स्लॉट्स फॉर द नेक्स्ट विंडो एज पर योर कन्वीनियंस विद इन द गिवन शेड्यूल। आपको जो एक स्लॉट बुक करना होगा और आपको जो भी बहुत सारे शेड्यूल दिए होंगे उसमें से एक स्लॉट बुक करना होगा, इस ये वाला स्लॉट मेरे लिए कन्फर्म है या फिर मैं इसको कन्फर्म करता हूँ करती हूँ वेरिफिकेशन के लिए। राइट, उसके अलावा ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है, हमको इस रूटीन सेलेक्ट कर लेना है, हम सीधा आगे बढ़ते हैं, सेवन परसेंट क्लिक कर लेते हैं। ऐसे क्लिक करोगे तो आप अगले स्टेप में पहुंच जाते हो, इसका नाम कौन सा है, नाटा डिटेल्स। अब याद रखना, यहाँ पर मैंने आपको बोला था इस काउंसलिंग के अंदर, महाराष्ट्र काउंसलिंग में नाटा की डिटेल और जे की डिटेल दोनों डिटेल मांगी जाती है, मतलब एक्सेप्ट किया जाता है, नाटा एग्जाम और जे एग्जाम, भले यहाँ पर लिखा हुआ है नाटा डिटेल्स पर लेकिन जेई वाले भी यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है। अगर नाटा एग्जाम दिया है तो यस करेंगे, एकेडमिक दोनों पर चीज, अगर जेई वाला एग्जाम भी दिया है तो इसके अंदर भी क्या करेंगे यस कर देंगे, और हम क्या कर देंगे सेव प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जब इतना कर देते हो तो इसके बाद क्या बढ़ जाओगे, आप अगले स्टेप पर आ जाओगे। अगले स्टेप में पास होगा टाइप ऑफ कैंडिडेट। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है, ये हमारे पास है आप किस तरह के कैंडिडेट हो, आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो। अब महाराष्ट्र से कोई बिलोंग करता है तो वैसे पांच तरह के यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, पांच तरह के ऑप्शन है, मतलब महाराष्ट्र के अंदर आपके फादर मदर की जॉब कहाँ है, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है, आप महाराष्ट्र से आपने ट्वेल्थ आपकी कहाँ से है, मतलब एसएससी जो आपकी है ट्वेल्थ जो है आपने वो कहाँ से की है, या फिर डिप्लोमा किया तो वो कहाँ से करा है, महाराष्ट्र से गए, फिर आप डोमिसिल स्टेट की हो कहाँ से हो, फादर मदर की जॉब का है, तो ऐसा अलग पांच कैटेगरी भारतीय फार ओनली महाराष्ट्र स्टूडेंट्स की। तो यार ना पहले यहाँ पर सिंपल लिखा है, देखो ये पांच तरह के स्टूडेंट्स है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप सी, टाइप, ये पांचों महाराष्ट्र वालों के लिए। अगर आप महाराष्ट्र से नहीं हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये सेलेक्ट करना है, नीचे लिखा हुआ है ओएमएस कैटेगरी, ये लिखा है ओएमएस, ये ओएमएस कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना आपको। ये ओएमएस का मतलब है ये ऊपर की पांच कोई सी वाली कैटेगरी नहीं है, अगर आप महाराष्ट्र के अलावा बाहर से ऑल इंडिया कैंडिडेट्स हो, दूसरे अदर स्टेट के हो, तो आपको ओएमएस सेलेक्ट कर लेना। अब जो दिक्कत बच्चों को आ रही थी कि वो आ रही थी ओएमएस कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद ये वेबसाइट या फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा था, तो अब ऐसा नहीं है, अब ये बढ़ने की, अब ये सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ रहा है, अभी आपको करके बताता हूँ। ठीक है, तो ऐसा है अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ लेना कि हिसाब से आप कैंडिडेट पासिंग एसएससी, एसएससी डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपको रिकग्नाइज, आप महाराष्ट्र स्टेट से आपने किसी एक रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से आपकी ट्वेल्थ डिप्लोमा किया है तो आप क्या करोगे, या फिर आप इधर डोमिसिल महाराष्ट्र के डोमिसिल कैंडिडेट्स हो तो आप क्या करोगे पहले वाली कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे। उसके अलावा अगर आप कैंडिडेट ऐसे हो जो कि
ए वाली टाइप ए वाली कैटेगरी के अंदर नहीं हो, पर आपके क्या है फादर मदर डोमिसिल स्टेट महाराष्ट्र में पजेस डोमिसिल सर्टिफिकेट, आपके फादर मदर जो है वो महाराष्ट्र के डोमिसिल नागरिक है ठीक है ना वही के, तो उसके हिसाब से उनके पास डोमिसिल सर्टिफिकेट भी है, तो आप ये वाला कर लोगे राइट। ऐसा करें सी वाला हमारे पास ये वाला है, डी वाला ई वाला है ठीक है ना। उसके बाद ओ में सी है वो जो आप कहीं से महाराष्ट्र के नहीं आप बाहर से हो, तो ओ में सेलेक्ट कर लेंगे, ओ में सेलेक्ट कर रखा है मैंने। आगे बढ़ोगे तो आप नीचे आओगे सेम प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दोगे, ओके कर दोगे, बाकी दूसरे एनआरआई गल्फ कंट्रीज और अदर वाले हैं। अदर आओगे तो जब नेक्स्ट आता है जो गया टाइप ऑफ कैंडिडेट हो गया, ये टाइप डिटेल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है, ध्यान देना, अगर आप ये सेलेक्ट कर लेते हो कि आप अदर स्टेट को, मैंने भी सेलेक्ट करा ओमस कैटेगरी, ओमस मतलब हो गया अदर स्टेट का, मतलब मैं महाराष्ट्र का नहीं हूँ, तो अब अदर स्टेट का मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस वाली चांसेस के अंदर, इस वाली केस के अंदर आपके लिए कोई अलग से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि आप सेलेक्ट करो कि आप कौन सी होम यूनिवर्सिटी आपकी, नहीं, आपकी जो कैटेगरी है वो कोई कैटेगरी नहीं होगी, आप कोई रिजर्व कैटेगरी के अंदर नहीं आओगी। रिजर्व कैटेगरी के बेनिफिट्स वगैरह वो सब महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए ही यहाँ पर है। आप जाने जाओगे एक नाम से वो होगा, कौन सा कैंडिडेट जो टाइप क्या होगा, आप ऑल इंडिया टाइप, बस खत्म, और आपकी कोई कैटेगरी नहीं है, आपकी ऑल इंडिया टाइप कैटेगरी है। और आपकी जो होम यूनिवर्सिटी है, आपकी यूनिवर्सिटी लगेगी वो लगेगी कौन सी, अदर स्टेट होम यूनिवर्सिटी, मतलब अदर स्टेट से हो, तो उन्होंने नाम दे दिया अदर स्टेट होम यूनिवर्सिटी। अब अगर आप महाराष्ट्र सेलेक्ट करते हो ना, जैसे अगर अपन महाराष्ट्र अगर सेलेक्ट करके देखते हैं एक बार ऊपर जो पांच टाइप में से क्या आता है देखते हैं एक बार, टाइप ऑफ कैंडिडेट में जाता हूँ देखो, अगर मैंने ओएमएस की जगह मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज कर लेते हैं ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ जाके आगे आता हूँ देखो, तो क्या होता है इस केस के अंदर, आपको देखो पूछा जाएगा इस केस के पूछा जाएगा कि आपने जैसे ए वाला सेलेक्ट किया, तो ए वाले के अंदर क्या पूछा गया था, आपकी 12th या डिप्लोमा आपने कहाँ से किया, तो आपके अगर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, लेट्स सपोज करें आपको कोई डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपने कहाँ से किया बताओ, लेट्स सपोज सेलेक्ट कर लो तो पहले नंबर का अहमदनगर, उसको बोला कि आपने अगर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट पास किया, तो यहाँ पर वही आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है सेम, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स मान लेते हैं इसको भी अहमदनगर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फेच करेगा कि अहमदनगर, अहमदनगर स्टूडेंट के हिसाब से उसकी होम यूनिवर्सिटी कौन सी लगती है, तो उस समय अहमदनगर से अगर कोई विद्यालय, तो उसकी होम यूनिवर्सिटी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी लगती है, तो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा, इसमें कोई फिल करने की जरूरत नहीं, ये होम यूनिवर्सिटी की होगी। पर अदर स्टेट वालों के लिए क्या है वो फिक्स है, अदर देन होम यूनिवर्सिटी उसके कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा आपको, तो ऑटोमेटिक फैच करेगा। अब यहाँ पर चाहे किसी के सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है, किसी के मुंबई यूनिवर्सिटी है ना, बहुत सारे मुंबई यूनिवर्सिटी भी आएगी, कोई मुंबई पुणे सेलेक्ट करेगा, तो अलग अलग चीज़ अलग हिसाब से होगा राइट। उसके बाद यहाँ पर क्या है ऐसा कुछ होता है, तो मैं फिर से एक बार पीछे आता हूँ और ऑल इंडिया में चलता हूँ ठीक है ना, एक बार अपन इसको फिर से कैंडिडेट टाइप में जाके इसको ऑल इंडिया मतलब ओएमएस कर लेते हैं एक बार के लिए ठीक है ना, वापस से आगे बढ़ते हैं, ओएमएस के लिए हो गया, अगले स्टेप में कुछ नहीं करना, आगे बढ़ जाऊंगा मैं। अब इसके बाद आता है कौन सा कि आपके लिए क्या बोला है कि कैटेगरी डिटेल, ये देखो अब यहाँ पर क्या है ना, जब आप इस वाली फेज में आए तो मतलब आप जब अदर स्टेट कैटेगरी के अंदर हो, तो इसके अंदर आपको कोई रिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी है ना वो जनरल है, अब यहाँ पर रिजर्व पे क्लिक करोगे तो ये क्लिक ही नहीं होगा, ये क्लिक नहीं होगा रिजर्व कैटेगरी, मतलब आपकी रिजर्व कैटेगरी का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है अगर आप अदर स्टेट से हो। अगर आप महाराष्ट्र से हो, जो अभी आपने पहले देखा, अगर महाराष्ट्र वाले कोई टाइप में आते हो आप, तो यहाँ पर आपको रिजर्व कैटेगरी से सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा, फिर आप ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी में आते हो सेलेक्ट कर सकते हो। इस केस के अंदर आप रिजल्ट सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, बाकी पर्सन डिसेबिलिटी नो ऑटोमेटिकली नो रहेगा, और यहाँ डिफेंस भी नो ही रहेगा, यहाँ पर भी आप चाहो तो यस सेलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब अगर महाराष्ट्र से बाहर हो ना तो आप सब बराबर हो, सब बराबर, चाहे पीडब्ल्यूडी हो कैंडिडेट्स हो, चाहे पर्सन डिसेबिलिटी हो, मतलब पीडब्ल्यूडी हो गया या फिर कोई डिफेंस के अंदर हो या कोई कैटेगरी हो, कुछ नहीं है, सब बराबर है अदर देन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वालों के लिए ही सब बेनिफिट्स है राइट कैटेगरी से रिलेटेड। इतना करने के बाद नीचे आपसे तीन ऑप्शन पूछे गए, आपको जो क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, या तो आप क्या करोगे, या तो आप अपना इंडियन नेशनलिटी मतलब आपको कोई मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको हम कहते हैं इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट, इंडिया के हो आप तो मूल निवास का होता है, उसको सेंट्रल सर्टिफिकेट कहते हैं, इसमें दो दो तरह के सर्टिफिकेट होते हैं सेंट्रल और स्टेट, आपको सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट बनवाना है, अगर आपको नहीं तो सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट बनवा के अपलोड करें यहाँ पे सेंट्रल वाला ठीक है ना, तो मूल निवास हो गया इंडियन नेशनलिटी, या फिर हम लोग कोई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ते समय कोई माइग्रेशन या फिर कोई टीसी होगा आपके ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लीविंग सर्टिफिकेट तो आप लगा सकते हो, बाकी बर्थ सर्टिफिकेट हो गया अपने पास जन्म प्रमाण पत्र, तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो आप लगा सकते हो, कोई भी एक चीज सर्ट कर ले तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपलोड करना पड़ेगा आपको एट द लास्ट का टाइम ठीक है, तो आप सेलेक्ट कर ले तो किसी भी एक को आगे बढ़ जाओगे, ओके कर देंगे। उसके बाद इसके बाद होने के बाद आपसे क्या पूछा जाता है, अगला हुआ था आपकी
क्वालिफिकेशन डिटेल, कैटेगरी के बाद आता है क्वालिफिकेशन डिटेल। अब आपको अपनी क्लास 10th की डिटेल्स, क्लास 12th की डिटेल्स, उसके रोल नंबर, उसके परसेंटेज कितने थे 10th के अंदर, कब आपने पास किया था और कौन से बोर्ड था आपका। अगर आपने अदर स्टेट के हिसाब से तो अपना CBSE बोर्ड था, आपको दूसरा बोर्ड था वो। उसके अलावा 12th के अंदर भी सेम काम करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर अलग अलग आपको चाहिए, तो यार नया जो रूल है उसके अंदर अकॉर्डिंग ऑनली आपको एग्रीगेट 45% का चाहिए होगा कैटेगरी, सॉरी ओवरऑल जो आपका मार्क्स एग्रीगेट 45% चाहिए होगा, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर इंडिविजुअल के अंदर कितने भी चलेगा, तो लेकिन यहाँ पर सब फिल करना पड़ेगा। 10th क्लास के मार्क्स यहाँ फिल करोगे, 10th क्लास का पासिंग ईयर कब आपने 10th क्लास पास की थी, कौन सा आपका बोर्ड था, जैसे ऑल इंडिया बोर्ड के अंदर आपका, महाराष्ट्र वाले तो ऑलरेडी हम है ही नहीं, ये CBSE के अंदर CBSE मान लेते हैं, बाकी पासिंग ईयर कौन सा था, आपने कब पास किया था, सपोज करते 2016 में पास किया होगा, यहाँ पे लिख देना रोल नंबर, SSC सीट नंबर मतलब, सीट नंबर मतलब रोल नंबर आपके 10th वाले रोल नंबर बोर्ड के, वो लिख देना। बाकी एग्रीगेट मार्क्स कितने थे आपके, और मैथ्स के अंदर भी स्पेशली पूछेगा तो मैथ्स में कितने, तो आप लिख दीजिएगा। जिसके पास CGPA है तो CGPA को आप कन्वर्ट कर दीजिएगा किसके अंदर, CGPA को जो भी उसके अंदर आई थिंक 9.4 इससे कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, राइट ऐसा कुछ करना पड़ता है, राइट। तो ऐसा आप डायरेक्टली गूगल पे जाकर उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो CGPA को, डायरेक्टली परसेंटेज के अंदर राइट हो जाएगा। क्वालिफाई एग्जाम 12th के अंदर कौन सा आपके पास HSC डिप्लोमा, कौन सा HSC सेलेक्ट कर लेना, HSC आप करें तो HSC के अंदर इंडिया है, इंडिया के अंदर कौन सा बोर्ड है, जैसे CBSE बोर्ड है, यहाँ पर आपको लिख देना कब पास किया था, 2016 में पास, 2018 के अंदर 12th पास किया, यहाँ आ जाएगा क्लास 12 का रोल नंबर। उसके अलावा आपके देखो आ जाएगा पास, जो पास या फेल है, हमारे पास पास है, पास के अंदर एग्रीगेट मार्क्स लिख देना, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन या परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा ऑटोमेटिकली परसेंट, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, आपको मार्क्स फिल करने हैं बस, मार्क्स कर लेना एग्रीगेट के, तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे ऊपर। नेक्स्ट फिजिक्स के मार्क्स कितने, नेक्स्ट मैथमेटिक्स के कितने मार्क्स, अगला केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अलावा कोई दूसरा आपका सब्जेक्ट है तो आप वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी जो नया रूल आया है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का, उसके अंदर अब ये है कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज कंपलसरी, बाकी केमिस्ट्री कंपलसरी नहीं है आर्किटेक्चर के लिए, इस साल वाले रूल के अकॉर्डिंग, आई थिंक आपने देखा होगा जो नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके अलावा ये नाटक एग्जाम अभी आपने सेलेक्ट किया था, नाटक एग्जाम, तो आपने नाटक एग्जाम दिया तो उसमें आपने हाँ सेलेक्ट किया था, तो लिखा रहा है यस, नाटक एप्लीकेशन नंबर डाल दो, एंटर डेट ऑफ बर्थ डाल दो, ये लिखा रहा है देखो प्लीज एंटर करेक्ट नाटक एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, ऑटोमेटिकली नाटक ही आपका रिजल्ट जो है ना वो यहाँ पर फेच कर लेगा, ये आपका नाटक का रिजल्ट ऑटोमेटिक फेच कर लेगा, मतलब इसने क्या किया है, नाटक की वेबसाइट को इसने दोनों ने लिंक कर रखा है इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, नाटक की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर, तो ये क्या करके नाटक जितने भी रिजल्ट है, चूंकि नाटक काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पास जो रिकॉर्ड पड़ा है वो यहाँ पर ऑलरेडी फेच कर दिया गया, दोनों को लिंक कर रखा है बैकग्राउंड में कोडिंग के थ्रू, राइट। तो आप यहाँ लिंक जिससे करोगे तो डायरेक्ट अपना आप ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट फेच कर देगा, निकाल देगा। आपने बोला था कि मैंने JEE भी अटेम्प्ट किया है, ये देखो नाटक वाला इन्फॉर्मेशन वो लिखा है यहाँ पर, JEE भी अटेम्प्ट किया तो JEE का स्कोर भी आपने उस समय यस फिल किया था, तो JEE का स्कोर भी आप डाल दीजिएगा, परसेंटाइल एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिएगा, गेट स्कोर करेंगे तो परसेंटाइल आ जाएगा, जो भी आपके दो अटेम्प्ट दिए दोनों के अंदर जो अच्छी परसेंटाइल है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए, सेव प्रोसीड करके आगे बढ़ जाइए, सेव प्रोसीड करके आगे बढ़ जाओगे। अब मैंने ऐसा कुछ फिल करने का ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं, इसके बाद चीज़ें लगभग खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद इतना आप कर लोगे ना, इसके बाद क्या प्रोसेस बचेगा मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये इतने प्रोसेस तो अपने कंप्लीट कर लिए थे, मैंने आपको यहाँ तक बताया था कैटेगरी तक, ये क्वालिफिकेशन डिटेल मतलब 10th वाली ये कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद पर्सनल डिटेल, कुछ पर्सनल डिटेल कुछ आएगी आपकी खुद की, उसके अलावा आपके फिर बस फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फीस पे करनी है 1000 रुपीज जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी रिजल्ट कैटेगरी वालों के लिए 800 रुपीज कुछ है, अदर देन महाराष्ट्र वाले उनके लिए तो फिर 1000 लगेगी आई थिंक, चाहते मैंने देखा था ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म कन्फर्मेशन, अभी ये देखो ये लिखा हुआ है, ये लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक फिल करने के बाद जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे ना उन सब डॉक्यूमेंट को हो सकता है 1 या 2 दिन लेगा, मतलब 1 अगस्त से पहले पहले तक आपके पास वापस लॉगिन करके रोजाना डेली चेक कर लेना, ठीक है ना, दिन में दो दो तीन बार लॉगिन करके चेक कर लेना कि आपके जो लॉगिन करने के बाद आपके डैशबोर्ड के ऊपर होम पेज के ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा कि यस योर डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर मेरिट लिस्ट या फिर यू आर एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस या फिर यू आर एलिजिबल फॉर चॉइस फिलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर आप पूरा वेरिफिकेशन हो गया और अगर कोई दिक्कत आए, भगवान अगर कुछ दिक्कत आए कुछ भी होता है तो आपके सेम डैशबोर्ड के ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ दिक्कत है या फिर ये कुछ वेरीफाइड नहीं हुआ है, तो आपको फिर से बताया जाएगा प्रोसेस कि आपको किस तरह से वेरीफाई करना है या नहीं करना है, क्या करना है आगे, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस आपके पास रहेगा, ठीक है ना, आपको लॉग इन कर चेक करना पड़ेगा, हैंड टू हैंड नहीं आएगा मैसेज, एक हो सकता है 1 दिन लेगा या फिर हो सकता है 1 दिन की 24 घंटे के अंदर अंदर ही आ जाएगा, तो आपको 2-3 बार चेक कर लेना, ठीक है ना, जब तक वेरिफिकेशन का आपका जो मैसेज नहीं आता है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। वैसे आपका वेरिफिकेशन का मैसेज आता है मुझे पता, आपका जो आप नंबर दे रहे हो या फिर मेल आईडी दे रहे हो उस पर भी आ सकता है, पर हमको ये डैशबोर्ड भी खोल के चेक करते रहना, क्या पता अगर मेल या फिर ईमेल या फिर नंबर पर ना आए तो कुछ मैसेज वगैरह, ये चेक करते रहना, ठीक है, यहाँ तक कर लोगे। तो इसी के साथ ये था महाराष्ट्र का अपडेट, अब सब कुछ अपडेट हो चुका है, जाकर जल्दी से फिल कर दो, जब मेरिट लिस्ट आएगी 7 अगस्त को, 7 अगस्त उसके बाद हम काउंसलिंग जो है चॉइस फिलिंग आपको फिल करनी, कॉलेज फिल करने, उससे पहले अपन कॉलेजेस की सीक्वेंस वाइज कट ऑफ वाइज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है ना।
अब इसके बाद ये बात कर लेते हैं दूसरी काउंसलिंग की तरफ, और कौन कौन सी काउंसलिंग चल रही है, कैसे क्या अप्लाई करना है। आई थिंक पहले भी मैंने बात की थी तो ध्यान दो। पहले नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात काउंसलिंग, एसीपीसी काउंसलिंग। एसीपीसी काउंसलिंग अभी भी चल रही है। एसीपीसी काउंसलिंग के अंदर आप देखोगे ना तो लास्ट डेट 22 थी, पर लेकिन अभी भी काउंसलिंग चल रही है। जब आप क्लिक करोगे यहाँ पर कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर एसीपीसी, मतलब गुजरात की काउंसलिंग, अभी भी यहाँ पर देखोगे तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आ रहा है। अभी भी यहाँ पर कैंडिडेट जो है फ्रेशली आप कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, न्यू कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी भी काउंसलिंग के लिए खुला है पोर्टल, ठीक है, ये खुला है पोर्टल। आई थिंक 29 तक लास्ट चलेगी। 29 को आई थिंक यहाँ पर वो है, मैंने बताया भी था, 29 तक ही आई थिंक लास्ट चलेगी। 29 के बाद कोई रिजल्ट आ जाएगा, राउंड नंबर वन का ऐसा कुछ मेरिट लिस्ट आ जाएगी। 29 तक चलने का कुछ है, शायद 1 या 2 दिन और खुला हो सकता है। अगर आप नहीं अप्लाई किया तो अप्लाई कर देना एसीपीसी के अंदर। ओके, एसीपीसी के बाद अगली बात करते हैं जो कि हरियाणा काउंसलिंग। हरियाणा के अंदर मैंने बात भी की थी, हरियाणा की जो आपकी डेट थी वो थी, हरियाणा काउंसलिंग की जो डेट थी वो थी 22 जुलाई से लेकर 5 अगस्त, यानी कि अभी ये लंबा लंबा चलेगा हरियाणा काउंसलिंग। तो आप चाहो तो हरियाणा के अंदर अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा के अंदर भी जेई और नाटा दोनों इसको एक्सेप्ट होता है। हरियाणा के अंदर भी जेई नाटा दोनों इसको एक्सेप्ट होता है। महाराष्ट्र के अंदर भी जेई नाटा दोनों इसको एक्सेप्ट हो रहा है, राइट। एसीपीसी काउंसलिंग गुजरात वाली, उसके अंदर ओनली नाटा इसको एक्सेप्ट होता है। पर लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमारे एसीपीसी के अंदर भी जेई और नाटा दोनों मांगा गया था, राइट। तो मे भी शायद भी कुछ लास्ट ईयर तो नाटा ही एक्सेप्ट होता था, मैंने अप्लाई करके देखा नहीं एसीपीसी के अंदर। अगर जेई नाटा दोनों एक्सेप्ट हो रहा है तो बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर दोनों स्कोर एक्सेप्ट होगा किसके अंदर, हरियाणा काउंसलिंग। हरियाणा काउंसलिंग ने अप्लाई करने के लिए आप कौन सी वेबसाइट पर आओगे, आप आओगे techadmissionhry.gov.in, ये वेबसाइट है techadmissionhry.gov.in हरियाणा के लिए। जब जैसे आओगे तो आपको अप्लाई करने के लिए मौका मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे नीचे आओगे तो बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर इसको क्लिक करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है। बस आप सिलेक्ट कोर्स सेलेक्ट कर लोगे, जिस भी बी आर सेलेक्ट कर लोगे, बी आर सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ जाओगे रेजिडेंस ऑफ हरियाणा। आप हाँ रेजिडेंसी हरियाणा से हो या नहीं हो, भाई हम तो नहीं है हरियाणा के, तो उसके बाद आधार नंबर डाल दोगे, उसके बाद आगे बढ़ जाओगे अप्लाई किस फॉर्म किस फिल कर देना। लास्ट डेट 5 अगस्त। यार कॉमटेक की बात करते हैं तो यार कॉमेट के अंदर वही चीज़ है, वही अपडेट है जहाँ तक लास्ट जो नाटक है 6-7 जुलाई तक जो बच्चों ने एग्जाम दिया था उनके लिए यहाँ पर जो है रिवाइज नोटिफिकेशन का यहाँ पर ऑप्शन अभी भी खुला दिखाई दे रहा है, जो कि अब तक कोई नया कुछ अपडेट दिखाई नहीं जो पहले वाले ही है। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं जो कि हमारे पास है चंडीगढ़, सॉरी यूपीटीसी। यूपीटीसी के अंदर भी अब तक कोई अपडेट नहीं है। लास्ट जो 6-7 जुलाई तक जो नाटक एग्जाम दिया था, तो 6-7 BR जो है नाटक एग्जाम दिया था जिन्होंने, उनकी तक की काउंसलिंग अभी चल रही है। उनके रजिस्ट्रेशन वगैरह वो यहाँ पर 7 जुलाई तक बच्चों के लिए जिसने एग्जाम दिया था नाटक का, उनके लिए यहाँ पर काम चल रहा है। उससे आगे कोई अपडेट है नहीं अभी तक, देखते का अपडेट आता है। बाकी जैक चंडीगढ़ के अंदर राउंड नंबर थर्ड, राउंड नंबर वन का जो राउंड नंबर थर्ड का सीनियर टूर्नामेंट आ चुका था, राइट, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके अलावा जैक चंडीगढ़ के अंदर राउंड नंबर थर्ड में जिसको सीट्स मिली थी उसको लास्ट 30 से 31 जुलाई, 30 से 31 जुलाई, 31 जुलाई तक आपको जो यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस करना है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाकर, जहाँ पर आपको बताया गया, मतलब वो चीज चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर वही एक स्टूडेंट है, जाकर आपको फिजिकली रिपोर्टिंग करनी 30 से 31 जुलाई तक, ठीक है ना। तो ये अब तक अपडेट है। बाकी उड़ीसा काउंसलिंग की बात करते हैं तो उड़ीसा के अंदर आई थिंक मैंने आपको बताया भी था पहले लास्ट अपडेट वाली वीडियो के अंदर, उड़ीसा के अंदर जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का अलॉटमेंट आ चुका था 23 जुलाई को। उसके अलावा 23 से लेकर 28 तक, मतलब अब जो लास्ट आई थिंक 28 ही जब वीडियो आपके पास आ रही है, तो 28 तक आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हो राउंड नंबर वन की, जिसको सीट अलॉटमेंट हो चुका था, ठीक है। ये यहाँ पर तक कुछ अपडेट था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो कि हमारे पास री राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। राजस्थान वेरी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है। राजस्थान के अंदर अच्छे खासे कॉलेजेस हैं, कुल मिलाकर 11 कॉलेजेस हैं जो इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर कुल मिलाकर 11 के अंदर से एक जोधपुर में है, एक टोंक में है, टोंक राजस्थान, एक उदयपुर में है, एक अजमेर में है। उसके अलावा बाकी बचे हुए 4 कॉलेज ऐसे एक एक हैं, बाकी बचे हुए 7 कॉलेज जयपुर में, जयपुर में 7 कॉलेज है, ठीक है ना। उसके अंदर से जयपुर के 7 कॉलेज ही प्राइवेट ही है और एक जोधपुर का एक जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी है तो सब बी आर राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही आ रहे, ठीक है ना। ये देखो बोला गया कि भी राजस्थान की जो काउंसलिंग है री बी आर डॉट 2024.com लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 30 जुलाई, 31 जुलाई, 31 जुलाई लास्ट डेट अप्लाई करने की। 2-3 दिन आपके पास और है राजस्थान के कैंडिडेट्स, तो अप्लाई कर सकते हो रीप काउंसलिंग के अंदर, रीप वेबसाइट के अंदर अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे वेबसाइट पे आना है, क्लिक हियर पे करना है और आप अप्लाई करके आगे बढ़ जाओगे और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके भी जो कुछ है ना क्या कहते हैं जो ऑर्डर क्या रखना है सीक्वेंस ऑर्डर, मैं आपको बता दूंगा वीडियो में, ठीक है। आपके पास 1 दिन बाद वीडियो आ जाएगी जिसके ऊपर उसकी महाराष्ट्र की भी बात करनी है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर एमपी की, एमपी ऑनलाइन, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की काउंसलिंग के अंदर आई थिंक पहले भी बताया था, मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग राउंड की अलग अलग लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप एज फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, राउंड नंबर वन तो पहले हो चुका था। एमपी मध्य प्रदेश के अंदर राउंड नंबर सेकंड की काउंसलिंग जो है वो अब स्टार्ट होगी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। स्टार्ट हुई थी 27 जुलाई, 27 जुलाई तो हो चुकी, मतलब स्टार्ट हो चुकी है। मध्य प्रदेश के लिए अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पर आना है एमपी ऑनलाइन। मध्य प्रदेश में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि है मिट्स, MITS, मिट्स ग्वालियर,
ठीक है, मिड्स ग्वालियर आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो के अंदर मानव रचना कुछ कहा था, हो सकता है गलती से मुंह से निकल गया होगा। तो उसके गवर्नमेंट कॉलेज, एकमात्र गवर्नमेंट कॉलेज है मध्य प्रदेश के अंदर, इसका नाम है MITS मिड्स ग्वालियर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो तो इसके अंदर आपको नंबर भी आ सकता है, ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। यहाँ पर आना आपको ग्रेजुएट प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, अप्लाई फॉर काउंसलिंग। जैसे आप यहाँ पर आओगे तो पता चलेगा आपको कि राउंड नंबर वन का प्रोसेस तो ऑलरेडी पूरा हो चुका था, राउंड नंबर टू का प्रोसेस ये चल रहा है। 27 से राउंड नंबर सेकंड की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एज अ फ्रेश कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हो, लास्ट अप्लाई करने की है 11 ऑफ अगस्त। जैसे आप याद करोगे तो 29 ऑफ अगस्त से जो है आपके स्टार्ट हो जाएंगे लॉग इन फॉर चॉइस फिलिंग। तो 29 जुलाई से आप चॉइस फिलिंग वगैरह भी कर सकते हो, राइट। 29 से यहाँ पर ये भी क्लिक हियर का आ जाएगा कपिंग की जगह, बाकी जो प्रोसेस आपके लिखा है ये कम्प्लीट लिखा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये है हमारे पास किसकी, महाराष्ट्र एमपी काउंसिल। नेक्स्ट बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया, बहुत सारे डाउट्स में जामिया मिलिया के अंदर क्या है, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कहा भी था रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए, पर लेकिन यार काफी जो रजिस्ट्रेशन तो ओपन हो गए हैं इसके पर, लेकिन इसमें बहुत सारा जो डिफिकल्टी आ रही है, आई थिंक ये पता नहीं जामिया लोगों को क्या यार, इन लोगों को कभी कोई चीज ढंग से अपडेट करते ही नहीं, ये हमेशा हर स्टूडेंट को जो है ना कन्फ्यूजन में रखते हैं और कभी कोई क्लैरिटी नहीं देते, कभी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालती किसी भी चीज़ का, अपने आप सब कुछ कर देते हैं। तो इन लोगों ने सेम यहाँ पर करा गया, आप रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करोगे तो ओपन आएगा, पर लेकिन जब अंदर जाके देखोगे ना तो जब कोर्स को सेलेक्ट करोगे आपका जो आपको कोर्स कौन सा आपको लेना है, तो उस कोर्स सेलेक्ट करोगे तो उसके अंदर BArc और BTech दिखाएगा, पर लेकिन BArc कोर्स आगे वाले ऑप्शन में BArc को सेलेक्ट नहीं होगा, उसमें कोई आएगा ही नहीं। तो भाई जब रजिस्ट्रेशन बंद ही करने थे तो फिर वो बता क्यों रहे हो, समझ नहीं आ रहा मेरे को, बच्चों कन्फ्यूजन करते हैं, ये चीज़ को मतलब नहीं है, ये प्रोसेस मेरे को बहुत खराब लगता है। ये महाराष्ट्र हो गया, फिर राजस्थान की काउंसलिंग होगी, मतलब जो मैं जो प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग चलती है ना, जिसके अंदर हर चीज़ का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता है, फिर जो चीज़ बंद होगी मतलब हो गया चल रहा है मतलब चल रहा है, वो बहुत बेस्ट है। ये कन्फ्यूजन में रखते हैं बहुत यार, ये कोई चीज़ देते नहीं, कोई अपडेट नहीं देते, मतलब कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालते कब हम अप्लाई कर रहे हैं, कब हम खोल रहे हैं, कब हम बंद कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन पोर्टल, कुछ नहीं निकालते। तो थोड़ा सही करो यार भाई, मतलब जामिया वाले थोड़ा सही करो, इतना बढ़िया नामी कॉलेज है, नामी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यार ये, मतलब मजाक नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको कहते हैं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, जामिया के बाद अगली बढ़ते जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया, ये तो वही हो गया है। इस पोर्टल पर बाद न्यू रजिस्ट्री में क्लिक करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद आ तो रहा था, जब आप इस क्लिक करके आगे बढ़ोगे तो फिर वो BArc सेलेक्ट ही नहीं होगा, ऐसा उस सिस्टम है। अब नेक्स्ट बात करते हुए GGSFU गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद क्या थी, मैंने लास्ट में अपडेट आपको बोला था गुरु गोविंद के अंदर लास्ट जो नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आया था काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की तरफ से, उसके बाद इसके रजिस्ट्रेशन फीस ओपन हो चुकी है राउंड नंबर टू के लिए। तो आप चाहो तो GGSFU के लिए अप्लाई कर सकते हो एज अ फ्रेश कैंडिडेट, लास्ट अप्लाई करने की डेट फिर से रखी गई है जो कि 26 जुलाई, आई थिंक वो तो निकल भी गई है, तो आई थिंक तो शायद होगा नहीं, पर लेकिन तो भी अगर आप यहाँ पर क्लिक करो तो IP रजिस्ट्रेशन 24, तो यहाँ पर अभी भी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, राइट। तो आप चाहो तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो कॉमन रजिस्ट्रेशन, न्यू ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई कर सकते हो आप चाहो तो GGSFU के लिए। ठीक है, देखो ऐसा क्या होता है, मोस्ट ऑफ GGSFU के अंदर रजिस्ट्रेशन जो पहले हो चुके थे, जो हमारे पास गवर्नमेंट सीट्स थी, आई थिंक जो भी जो सीट्स होती जो कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू होती है उनके लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पर चलते रहते हैं, जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू मिलती है, मैनेजमेंट कोटा मतलब जो ज़्यादा फीस लगती है, जो गवर्नमेंट सीट नहीं होती, प्राइवेट सीट्स होती है, राइट। पर खैर अभी तक इसके अंदर तो ऐसा कुछ अपडेट दिख नहीं रहा है, देखता है कि अपडेट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कि है जोसा एंड CACB, देखो जोसा काउंसलिंग और CACB काउंसलिंग की जब बात करते हैं तो जोसा और CACB कैसा है कि जोसा काउंसलिंग एंड CACB काउंसलिंग के अंदर प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन ये है कि जोसा काउंसलिंग ऑलरेडी सबके सब राउंड खत्म हो चुके हैं, और जोसा काउंसलिंग के अंदर भी चल रहा है 26 जुलाई तक लास्ट आपको दिया गया था टाइम कि जिसको जोसा के अंदर अब तक सीट मिल गई थी, जिसको पार्शियल एडमिशन फी पे करनी थी वो जरूर करें, और अगर आपने कर दी होगी 26 जुलाई तक लास्ट डेट, अगर आपने फीस अगर लेनी होगी सीट तो आपको पहले आपने पार्शियल एडमिशन फी पे कर दी होगी, राइट। तो जोसा का राउंड खत्म हो चुका है, अब बात आती है CACB काउंसलिंग की, तो CACB में जोसा CACB अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, जब CACB काउंसलिंग जो है ना CACB में कट ऑफ क्या होगी वगैरह वगैरह, उसके ऊपर अलग से अपन बात करेंगे, कुछ बहुत सारे पॉइंट्स भी जो आपके सामने क्लियर करने हैं, आपके कई सारे मुझे मैसेजेस भी है, DMs भी है, CACB काउंसलिंग के अंदर क्या करें, बहुत सारे डाउट्स है, इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ CACB काउंसलिंग से स्टार्ट होने से पहले पहले लेकर आ जाऊंगा। ऊपर CACB काउंसलिंग का कुछ मैं देखता हूँ अपडेट किया अब तक का, तो CACB काउंसलिंग अपडेट अब तक का देखते हैं। जोसा काउंसलिंग तो खत्म हो चुकी है, जोसा काउंसलिंग जिसको सीट्स मिली थी उसने पार्सल एडमिशन फी पे कर दी होगी तो उसको एडमिशन हो गया, पर लेकिन जोसा वाले स्टूडेंट्स भी अगर चाह रहे हैं मुझे कॉलेज और अच्छा चाहिए तो आप CACB स्पेशल राउंड के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अब जोसा और CACB वालों के लिए क्या था अपडेट, वो देखो कि यहाँ पर कुछ ये बताया था आपको कि जोसा और CACB के अंदर, जोसा के अंदर तो खत्म हो चुकी है, CACB का रजिस्ट्रेशन है वो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई से स्टार्ट होंगे। अब ध्यान दो, 31 जुलाई से आपके लिए CACB का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 31 जुलाई से, राइट। यानी कि हमको बात कर रहा हूँ मैं आपको, CACB का रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और अभी क्या चल रहा है CACB के लिए कि आपकी ऐसी कोई कैटेगरी रजिस्ट्रेशन का कोई जो कोई रिक्वेस्ट डाली तो आप वो डाल सकते हो, ये देखो ये लिखा हुआ है, आप ये 31 तक चलेगा, ये 29 तक चलेगा आई थिंक, ठीक है ना।
29 तक ये काम चल रहा है। आपकी कोई जोसा के अंदर कोई कैटेगरी चेंज आप नहीं कर पाए थे या फिर आप कैटेगरी नहीं डाल पाए थे बिकॉज आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं था एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण जो वो वाला स्टोरेशन जो है ना कैटेगरी के लिए जो वो चीज़ थी, तो कैटेगरी रिक्वेस्ट आप डाल सकते हो कैटेगरी चेंज करने के लिए, फिर कैटेगरी रिस्टोर करने के लिए, तो उसका वाला प्रोसेस अभी चल रहा है CSEB की वेबसाइट के ऊपर। तो ये आप चीज़ कर सकते हो ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए जो जोसा के लिए था, ठीक है ना। ओके तो ये अभी प्रोसेस चल रहा है, बाकी एक्चुअल रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होंगे इसके 31 जुलाई से जोसा के, सॉरी नॉट CSEB के, ठीक है ना। 31 से लेकर 2 अगस्त तक 3 दिन यहाँ पर खुलेंगे, तो आपको जो चाहे जल्दी अप्लाई करना होगा। बाकी इसके बाद हम अगली काउंसलिंग की बात करते हैं, वो हमारे पास अन्ना यूनिवर्सिटी, अन्ना की आई थिंक मैंने पहले बात कर चुका था, अन्ना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आप चाहो तो अन्ना में अप्लाई कर सकते हो। 27 से स्टार्ट हो चुका था, लास्ट 30 जुलाई अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई की लास्ट अप्लाई करने की 30 जुलाई। वेबसाइट के ऊपर आओगे, यहाँ पर क्लिक करो UGNB25 ऐसा वाला पेज खुलेगा। जैसे आप पेज खुले पे आप आओगे तो यहाँ पर आपके पास इस ऐसा वाला पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस वाले काउंसलिंग के ऊपर, यहाँ पर ये लिखा है BTEC ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक करोगे इसी आप तो आप इस वाले पेज के ऊपर आ जाओगे, ठीक है ना। ये लिखा हुआ अदर कैंडिडेट्स के लिए, अदर स्टेट्स के लिए, लास्ट 30 जुलाई अप्लाई करने के लिए BR के लिए। ओके किसके लिए है ये? अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई के लिए। आगे बढ़ते हैं, वेब JEE वेस्ट बंगाल की जो काउंसलिंग है उसके लिए ऑलरेडी यहाँ पर जो है वेब जो हमारे पास वेब JEE का है जो जादवपुर के अंदर भी यहाँ पर एडमिशन होता है, जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर इसके एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा एडमिशन होता है, वो नाटक एग्जाम पर एक्सेप्ट होता है। इसके अंदर जो ऑलरेडी प्रोसेस आपका चल रहा है और इसके अंदर जो आपका राउंड था काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट राउंड ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं वेब JEE की जो कुछ वेबसाइट थी, आई थिंक 2 वेबसाइट है या ये वाली एक तो वेबसाइट थी, इसके ऊपर ये था व्यू अलॉटमेंट सीट राउंड नंबर 1 का सीट अलॉटमेंट आ चुका था वेब JEE काउंसलिंग का, तो आप जरूर चेक कर सकते हो और आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो। अगली बात करते हैं तमिलनाडु काउंसलिंग, तमिलनाडु की काउंसलिंग अभी चल रही है, तमिलनाडु की मैंने बताया भी था तमिलनाडु की काउंसलिंग थोड़ी सी लंबी चलेगी, थोड़ी सी लंबी चलती है, ठीक है ना। तो अभी तमिलनाडु की काउंसलिंग चल रही है, ठीक है। तमिलनाडु की ऐसी कोई लास्ट डेट ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया गया, हो सकता है शेड्यूल के अंदर होगा, बी आर शेड्यूल दिया हुआ है यहाँ पर, मैंने अभी शेड्यूल चेक नहीं किया, अभी तक काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो अभी आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो तमिलनाडु कॉलेजेस के लिए, तो अप्लाई करना चाहता तो तमिलनाडु में, ठीक है। आगे बात करते हैं लास्ट वेबसाइट जो कि हमारे पास है CEPT यूनिवर्सिटी सेप्ट अहमदाबाद, जो आप ACPC से सेप्ट के अंदर भी सीट मिलती पड़ेगी, आप सेप्ट के अंदर डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। ये सेप्ट की वेबसाइट है, सेप्ट के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 25 जुलाई थी, आई थिंक वो पहले अपने 23 या 24 की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बहुत बात बताया भी था, पर लेकिन सेप्ट के रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रहा है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सेप्ट के चांसेस अभी तक इसने अप्लाई नहीं किया, जिसने अभी नाटक नया नया एग्जाम दिया है, तो आप सेप्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेप्ट के रजिस्ट्रेशन लास्ट देखो लास्ट डेट थी 25 जुलाई, पर लेकिन मैं ये वीडियो 28 को बना रहा हूँ क्योंकि अभी जो है मैंने चेक किया तो अभी भी ये डेट चल रही है, अभी भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, राइट। ये देखो जैसे आप अप्लाई के लिए क्लिक करोगे यहाँ पर तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पर आप इस वाली वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। ये देखो ये लॉग इन कर सकते हो, ये लिखा हुआ रजिस्टर ये, तो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो बिकॉज अभी भी रजिस्ट्रेशन खुल है, कोई भरोसा नहीं है कभी भी रजिस्ट्रेशन बंद हो सकते हैं, तो जल्दी करें अप्लाई करने के लिए, ठीक है। फटाफट से लॉगिन आईडी नाम वाम डाल के ये सब डाल के रजिस्टर कर लीजिएगा फटाफट से, ठीक है। तो ये था आपकी क्या सेप्ट के बारे में, बाकी आप चाहो तो मिजोरम यूनिवर्सिटी आंध्र यूनिवर्सिटी इसके ऊपर जाकर अप्लाई कर सकते हो। मिजोरम के अंदर आप नाटा जी से आपको मिलता ही, बाकी मिजोरम में लाइफ भी अप्लाई कर सकते हो, मैनेजमेंट सीट भी आप कुछ होती है, ठीक है। बाकी तो मैंने लगभग बात कर ली थी। अच्छा एक और चीज़ JNFU हैदराबाद तेलंगाना के ऊपर आई थिंक कुछ अपडेट था नहीं पहले, उसके बारे में पहले ही बात की थी, तो यही सब कुछ अपडेट था जो कि आपके सामने था महाराष्ट्र काउंसलिंग। अच्छा वीडियो यहाँ तक पहुँचो तो महाराष्ट्र के लिए एक और पॉइंट दिमाग में आ रहा था, आई थिंक मैं उस समय बता नहीं पाया था, एक पॉइंट ये कि आपके लिए जो महाराष्ट्र के अंदर कोई आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स हो और आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना उसकी जो वैलिडिटी है ना वो 2025 तक होनी चाहिए, 31 मार्च 2025 तक आप जो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो, आप किसी कैटेगरी से होते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, तो उसकी जो वैलिडिटी है ना वो 31 मार्च 2025 तक होनी चाहिए एटलीस्ट, मतलब 25 तक की होनी चाहिए उसकी वैलिडिटी, राइट। मतलब नया सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, अगर आप नहीं है तो प्लीज़ वो बनवा लीजिएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको बतानी थी, कैटेगरी सर्टिफिकेट आप चाहे OBC के हो चाहे EWS के हो SC ST के हो, तो आपको SC ST का जो है शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट वाला सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। बाकी यही कुछ था, सो थैंक यू सो मच यार, आज की थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है पर लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी और आई मीन करता हूं आपको थोड़ा अपडेट अब तक का मिल गया होगा, बाकी अगले अपडेट के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं और बात करते हैं नई वीडियोस में नई अपडेट्स के बारे में, तब तक के लिए जुड़े रहें, चैनल को बनाए सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। और किस टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो चाहिए, कॉलेजेस के ऊपर किस टॉपिक, मैं सोच रहा हूँ कि पूरे कॉलेज की नई सीरीज बनाई जाए आप सभी के लिए, तो क्या कहते हो उसके ऊपर प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कॉलेजेस की सीरीज के ऊपर आपको कौन सी वीडियो चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे और थैंक यू सो मच, बाय बाय, तब तक के लिए